हेलो गाइस, मैं अनुराग झा नॉलेज प्रोवाइडर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम लोग हिस्ट्री के 13वें चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा अवज्ञा और उससे आगे, ठीक है, अवज्ञा से आगे से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अब जो है आपका हिस्ट्री का 2 चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं इसको भी लाना शुरू करूंगा। और इसके साथ साथ, ठीक है, एक प्रत्येक चैप्टर के 2 या 3 वीडियो बने हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में, क्वेश्चन आंसर सहित, तो वो भी मैं आपको एक एक रोज देता रहूंगा। और उसके बाद जो है आपका पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी का जल्दी से ऑब्जेक्टिव खत्म करके उसका भी जो है आपको सब्जेक्टिव प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो चलिए, अगर आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं PDF या कोई भी अदर वीडियो जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो है अप्रैल 1919 में हुआ था। यहाँ पे डेट याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी डेट भी पूछता है, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बारदौली का किसान सत्याग्रह कब हुआ था। बारदौली में जो किसान सत्याग्रह हुआ था वो 1928 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आजादी से पूर्व देश भर में स्वतंत्रता संग्राम का स्वतंत्रता दिवस माफ कीजिए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। ये कांग्रेस ने कर दिया था कि अब जो है हमारा देश आजाद हो जाएगा, और इसी कारण जो है पूरे देश भर में मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। चलिए नेक्स्ट देखिए, दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी मार्च के नाम से आपको पता होगा, तो ये गुजरात में जो है स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो 1920 में जो आपका असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ, तो 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट कानून पारित, ठीक है। और इसमें जो है इसी कानून के विरोध में जो है लोग एक जगह जमा हुए थे, और जो है उसमें जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसको जलियांवाला हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो किया, तो यहाँ पे देखिए अब गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। और यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन को कभी कभी टेबल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन भी मान लिया जाता बोला जाता है, ठीक है। तो इसको इसमें कन्फ्यूज मत कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की, तो मार्च 1940 में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार कब बनी, तो 1945 में जो है लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, ये आप निश्चित रूप से याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा का आरंभ किया, तो दांडी यात्रा कब आरंभ किया, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और इसको जो है याद रखिएगा, कुल जो है कभी कभी दिन पूछ लेगा आपसे कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 24 दिन में, ठीक है। कुल कितने दिन में, 24 दिनों में। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो अरे यहाँ पे देखिए 1931 में, ठीक है। दूसरा गोलमेज यानी कि दूसरा सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931, याद रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया अथवा चौरिया चौरी कांड की घटना कब हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है आपका दे रहा है 1 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो यहाँ जो है जिस दिन असहयोग चौरा चौरी कांड हुआ था उसके 6 दिन बाद असहयोग आंदोलन जो है उसको वापस लिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रजवाड़ों ने राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए स्थापना हुई, तो रजवाड़ों में जो है यानी कि देसी राज्य राज्य जिसको बोलते हैं, उसमें जो राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किस चीज की स्थापना हुई, तो प्रजा मंडलों की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्न स्थान पर हुआ, तो किस स्थान पर हुआ था, लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू क्या था, तो यहाँ जो है पूर्ण स्वराज का उद्घोषणा, ठीक है, जो 1930 में किए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, गांधी जी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई, तो यहाँ जो है आपका नमक आंदोलन के समय, ठीक है। नमक आंदोलन पर ही गए थे दांडी मार्च, इसी कानून नमक कानून का विरोध करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई, तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वो आपको 1930 में समाप्त हुई थी, ठीक है।
24 दिन बताया मैंने, 24 दिन लगा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया। तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने प्रांतों में इस्तीफा कब दिया था, तो अक्टूबर 1939 को, ठीक है, ये आपका लिए VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कब किया गया था, तो नवंबर 1930 में। चलिए आज का अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष गवाही दिवस का आह्वान किया, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का जो है आह्वान जो किया गया था मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरिजन नामक अखबार निकाला, तो हरिजन नामक अखबार किन्होंने निकाला था, तो महात्मा गांधी ने निकाले थे, ठीक है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो देख लीजिए, सीमित अधिकार के आधार पर 1935 के एक्ट के अनुसार, यानी सीमित मताधिकार का जो आधार था वो 1935 का एक्ट के अनुसार था, और वो जो है में चुनाव कब हुआ था, तो वह यहाँ जो है 1937 में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और दोस्तों चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो थैंक यू।